नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। यूके के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक खुद को बेझिझक हिंदू बताने की वजह से कई बार चर्चाओं में रहे हैं। 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर मंगलवार को ऋषि सुनक अपने हिंदू अवतार में नजर आए। इस खास मौके पर वो यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जीसस कॉलेज में आयोजित मुरारी बापू की राम कथा में पहुंच गए। वहां स्वतंत्रता दिवस का जश्न पहले से मनाया जा रहा था और जब ऋषि सुनक वहां पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों के लिए तो जैसे कि सोने पर सुहागा ही हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी मौजूदगी को खुद के लिए गर्व का पल बताया। उनका एक 5 मिनट का वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि वो वहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू होने के नाते पहुंचे हैं। ऋषि सुनक ने अपने संबोधन की शुरुआत जय सियाराम के साथ की और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ उन्हें आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरी आस्था बहुत ही व्यक्तिगत है, ये मुझे मेरे जीवन के हर पल में सही दिशा की तरफ बढ़ाती है। प्रधानमंत्री होना बड़े सम्मान की बात है लेकिन ये उतना ही कठिन काम भी है। आपको ऐसे कई फैसले लेने पड़ते हैं जो बिल्कुल भी आसान नहीं होते, मुश्किल विकल्पों का सामना करना पड़ता है। मेरा धर्म मुझे हिम्मत और साहस देता है कि मैं देश के लिए ऐसे फैसले ले सकूं जो सर्वश्रेष्ठ साबित हों। ऋषि सुनक ने आगे कहा कि मेरे लिए ये बहुत ही खुशी और गर्व का मौका था जब मैंने चांसलर के पद पर रहते हुए 11 डाउनिंग स्ट्रीट पर दिवाली के मौके पर दिए जलाए थे। सुनक ने बताया कि जिस तरह मुरारी बापू के पीछे बड़े से सुनहरे हनुमान जी विराजमान हैं, उसी तरह से 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर उनकी डेस्क पर भी सोने के गणपति रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये मुझे अभिनय से पहले मुद्दों को सुनने और उन पर विचार करने के बारे में लगातार याद दिलाता है। ऋषि सुनक ने कहा कि जब वो बड़े हो रहे थे तो उस समय साउथहैम्पटन में स्थानीय मंदिर में जाने की बहुत अच्छी यादें उनके पास हैं। उन्होंने याद किया कि कैसे उनके माता पिता और परिवार के लोग हवन पूजा और आरती का आयोजन करते थे। इसके बाद वो अपने भाई बहन और चचेरे भाइयों के साथ दोपहर का भोजन और प्रसाद परोसने में मदद करते थे। उन्होंने कहा कि शायद सबसे बड़ा मूल्य कर्तव्य या फिर किसी की सेवा करना है। जैसा कि हम जानते हैं ये हिंदू मूल्य कुछ हद तक ब्रिटिश मूल्य से भी मिलते जुलते हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि वो आज यहाँ से उस रामायण को याद कर रहे हैं जिसके बारे में बापू बता रहे हैं और साथ ही भगवद गीता और हनुमान चालीसा को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए भगवान राम हमेशा जीवन की चुनौतियों का पूरे साहस के साथ सामना करने और शासन को विनम्रता और निस्वार्थ भाव से चलाने के लिए सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति रहेंगे। ऋषि सुनक ने जय सियाराम के साथ ही अपना संबोधन खत्म भी किया। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के राम कथा सुनने की इस खबर पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।